राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक एक करके 10 सवाल ट्वीट कर पूछे। सांसद बेनीवाल ने पेपर लीक मामले में सीएमओ के लंबे समय तक कार्यरत रहे पंजाब कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमित ढाका और मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सांसद बेनीवाल ने सवाल पूछे कि क्या पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी अमित ढाका को पंजाब से यह पेपर आउट करवाने की चेन बनाने और ऐसे गिरोह को पनपनाने के लिए आयात किया गया था। वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक प्रकरण के आरोपी सुरेश ढाका और सीएमओ में 3 वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत रहे अमित ढाका के संबंधों की जांच कब करवाओगे, क्योंकि ये सुरेश ढाका स्वयं को अमित ढाका का भाई बताकर और खुद को सीएमओ का आदमी बताकर हर जगह रोब झाड़ता था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक एक करके 10 सवाल ट्वीट कर पूछे। सांसद बेनीवाल ने पेपर लीक मामले में सीएमओ के लंबे समय तक कार्यरत रहे पंजाब कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमित ढाका और मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सांसद बेनीवाल ने सवाल पूछे कि क्या पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी अमित ढाका को पंजाब से यह पेपर आउट करवाने की चेन बनाने और ऐसे गिरोह को पनपनाने के लिए आयात किया गया था। को क्लीन चिट इसलिए तो नहीं दिलवाई गई कि कहीं वो उन नेताओं और अधिकारियों के नाम उजागर न कर दे जिनके नाम रीट पेपर आउट करवाने में सामने आए हैं। सवाल नंबर 5 था कि रीट मामले में आरोपी रामकृपाल मीणा के स्कूल को तोड़ा गया, बाकी आरोपियों की प्रॉपर्टी को क्यों नहीं तोड़ा गया। सवाल नंबर 6 कांस्टेबल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक एक करके 10 सवाल ट्वीट कर पूछे। सांसद बेनीवाल ने पेपर लीक मामले में सीएमओ के लंबे समय तक कार्यरत रहे पंजाब कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमित ढाका और मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सांसद बेनीवाल ने सवाल पूछे कि क्या पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी अमित ढाका को पंजाब से यह पेपर आउट करवाने की चेन बनाने और ऐसे गिरोह को पनपनाने के लिए आयात किया गया था। कब करवाओगे ही, कहीं आपके ओएसडी की भूमिका तो पेपर आउट करवाने में नहीं थी। सवाल नंबर 9 आरोपी सुरेश ढाका राजस्थान में एक दर्जन सत्ताधारी दल के नेताओं और मंत्रियों व हरियाणा और दिल्ली के कई कांग्रेसी नेताओं के ट्विटर हैंडल ऑपरेट करता था। ऐसे में बिना नेताओं की सह के सुरेश ढाका इतना बड़ा कृत्य नहीं कर सकता था, इस पर आप क्या कहोगे। और सवाल नंबर 10 था कि कांग्रेस के कौन से नेताओं और मंत्रियों ने सुरेश ढाका की राहुल गांधी से मुलाकात करवाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर। राम